हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की सबसे ट्रेंडीएस्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि अकासा एयरलाइंस। सो अकासा एयरलाइंस के फाउंडर है सर राकेश झुनझुनवाला, जिनको हम इंडिया के बिग बुल या फिर इंडिया के वॉरेन बफेट कहते हैं। सो वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। तो बट इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है, या फिर आप कह सकते हो इंडिया की जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है, वो कुछ सालों से बहुत ज्यादा लॉसेस बेयर कर रहे हैं। सो इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा, सारे टॉपिक्स पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात, अकासा एयरलाइंस के फाउंडर है सर राकेश झुनझुनवाला, उनके पास 40% स्टेक है, क्योंकि उन्होंने लगभग $35 मिलियन इन्वेस्ट किया है इसमें। नेक्स्ट को फाउंडर है वो है विनय दुबे, जो कि एक सीईओ है जेट एयरवेज एज वेल एज गो फर्स्ट के। नाउ पहला सवाल कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इन LCC व्हीकल्स में, मतलब लो कॉस्ट के एरियाज में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। इंडिगो, स्पाइसजेट सब अपने कॉस्ट कम करने में लगे हुए हैं। इनफैक्ट इंडिगो तो अभी तक की सबसे चीपेस्ट एंड प्रॉफिटेबल मानी जाती है। बट ये जो कंपनी है अकासा एयरलाइंस, वो दावा कर रही है कि वो डे फर्स्ट से प्रॉफिटेबल है। इनफैक्ट जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा कम करने वाले हैं अपने फेयर प्राइजेस। सो वो किस तरह से कर रहे हैं? पहली बात, जो एक एयरप्लेन का, एक एयरलाइंस का जो मेन एक्सपेंस होता है, वो होता है उसके कैरियर्स का, उसके पार्किंग्स का, उसके फ्यूल्स का। ये जो सारे एक्सपेंसेस है वो सबसे मेन एक्सपेंसेस माने जाते हैं एक कोई भी एक एयरलाइन इंडस्ट्री। सो पहली बात, सर राकेश झुनझुनवाला जो अपने प्लेन्स है वो ऑर्डर किए बोइंग को। सो बोइंग जो कंपनी है वो एफिशिएंट होता है, एज वेल एज उसमें लेस फ्यूल कंजम्पशन। सो राकेश झुनझुनवाला फाउंडेड दिस कंपनी 2021 बैक, एंड ये एयरलाइंस अपना फर्स्ट फ्लाइट लिया था 7th ऑफ अगस्त 2022 को, मींस कुछ ही दिन पहले। तो सर राकेश झुनझुनवाला ने अपने सारे प्लेन्स बोइंग को ऑर्डर किया है। जो बोइंग के मॉडल है वो है 737 मैक्स, जो कि एक बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। सो वो अपना कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, पहली बात तो वो अपने जो प्लेन्स है उसको फ्यूल एफिशिएंट ऑर्डर किए। सो जो ये प्लेन्स है वो ULCC मॉडल में बन रहे हैं, इसका मतलब अल्ट्रा लाइट कॉस्ट कैरियर्स। सो इसमें ये प्लेन को इतने एफिशिएंट बनाए जाएंगे जिसमें कम स्पेस में ज़्यादा सीट एलोकेट किए जाएंगे, ताकि कॉस्ट अपने आप कम हो जाए। सेकेंड थिंग, प्लेन्स में जितने भी मटेरियल यूज होंगे, चाहे वो क्रू मेंबर्स की ड्रेसेस हो, कप्स हो, बोर्ड्स हो, उन सब में एडवर्टाइजमेंट यूज होंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाए। थर्ड चीज़ कि एक दिन में बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स रन होंगे, ताकि उनको कम पार्किंग के चार्जेस देना पड़े। एंड जो बोइंग के प्लेन्स है वो तो फ्यूल एफिशिएंट माना ही जाता है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करके एक बहुत ही सस्टेनेबल एयरक्राफ्ट बन जाता है, जो कि एक फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल बन सकता है। जो एक और चीज़ है वो ये है कि जितने भी वेंडर्स हैं उसको इंडिगो, गो फर्स्ट, स्पाइसजेट, वो बहुत ज़्यादा मनी पे करते हैं अपने बुकिंग्स के लिए। बट अकासा एयरलाइंस D2C बिजनेस में, मतलब वो सिर्फ अपने वेबसाइट से ही दूसरे कस्टमर्स को ऑर्डर पेश करने का मौका देंगे, जिससे उनकी जो प्राइसेस है वो और भी कम हो जाती है। तो राकेश झुनझुनवाला हर चीज़ों के एक्सपेंसेस को कम किए, ताकि ये व्हीकल बहुत ही चीप रेट में अवेलेबल हो सके। ये जो ULCC मॉडल है वो हमें यूरोप के भी कुछ कंट्रीज में देखने को मिल जाते हैं, और इनफैक्ट वहाँ पे जो रियान वो इसी मॉडल पे बेस्ड है, और एक यूरोप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आए। सो इंडिया में भी हमें जल्द से जल्द इस सेक्टर पे बहुत बड़ा इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये सेक्टर भी हमें जल्द ही प्रॉफिटेबल बनते हुए देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जिन लोगों का सपना था कि चलो एयरप्लेन में बैठना, उनके सपने भी बहुत जल्दी पूरे होने वाली है। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना मत भूलेगा, एंड तब तक के लिए बाय।